Hello students of class 5th. Today we will discuss chapter number 5, rocks and minerals. And in this video we will discuss about minerals. Minerals ko students hindi mein bola jata hai khanij padarth. Minerals are underground natural resources. Jo khanij padarth hote hain students wo बोले जाते हैं अंडरग्राउंड नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि ऐसे संसाधन जो कि प्राकृतिक होते हैं और अंडरग्राउंड यानी कि ज़मीन के नीचे पाए जाते हैं. सम आर सिंपल मिनरल्स, कुछ तो बहुत ही साधारण खनिज पदार्थ होते हैं. वाइल सम आर कॉम्प्लेक्स मिनरल्स, और कुछ खनिज पदार्थ काफ़ी जटिल होते हैं. रॉक्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड फ्रॉम मिनरल्स. स्टूडेंट्स, जो चट्टाने हैं वो किसकी बनी हुई होती हैं? खनिज पदार्थ की बनी हुई होती हैं. मार्बल एंड कोल आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल्स. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स. सो स्टूडेंट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिनरल्स. फर्स्ट इज नॉन मेटेलिक मिनरल, सेकंड इज मेटेलिक मिनरल. सो मार्बल एंड कोल आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल्स. नॉन मेटेलिक मिनरल्स को स्टूडेंट्स हिंदी में बोलते हैं अधातु खनिज. बॉक्साइट एंड हेमिटाइट आर एग्जांपल्स ऑफ मेटेलिक मिनरल्स. और जो हमारे धातु खनिज होते हैं वो, उनके क्या क्या एग्जांपल्स हैं? बॉक्साइट एंड हेमिटाइट. ओके, नाउ वी विल डिस्कस यूजेस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स. अब स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे चट्टान और खनिज पदार्थ के उपयोग. वी यूज वेरियस रॉक्स एंड मिनरल्स इन आवर डेली लाइफ इन डिफरेंट वेज. स्टूडेंट्स, हम उपयोग करते हैं बहुत सारी चट्टानों का और खनिज पदार्थों का अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन डिफरेंट वेज. बहुत अलग अलग तरीके से हम इनका उपयोग करते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट इज वी गेट यूज़फुल मेटल्स फ्रॉम रॉक्स. स्टूडेंट्स, हमें चट्टानों से क्या मिलती है? धातु मिलती है. धातु को बोला जाता है मेटल्स. जो मेटल्स हमारे लिए मददगार होते हैं वो हमें चट्टानों से मिलते हैं. Different metals are extracted or mined from minerals. बहुत अलग अलग तरीके के जो metals होते हैं वो निकाले जाते हैं. किन से? खनिज पदार्थों से. A mineral from which metal can be extracted profitably is called an ore. और students, जो खनिज पदार्थ होते हैं जिनसे हम धातुओं को निकालते हैं अपने फ़ायदे के लिए, उनको बोला जाता है ओर यानी कि अयस्क. वी गेट आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर एंड जिंक फ्रॉम हेमेटाइट, बॉक्साइट, कॉपर पाइराइट्स एंड कैलेमाइन ओर्स रिस्पेक्टिवली. स्टूडेंट्स, हमें आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर एंड जिंक, ये सभी क्या हैं? मेटल्स हैं जो हमें हेमेटाइट से मिलते हैं. हेमेटाइट क्या है स्टूडेंट्स? ओर का नेम है. सिमिलरली बॉक्साइट, कॉपर पाइराइट्स एंड कैलेमाइन ओर्स रेस्पेक्टिवली. तो ये सब भी क्या हैं? ओर्स के ही नेम्स हैं. इनसे हमें अलग अलग
प्रकार के धातु मिलते हैं। These metals are commonly used for making utensils। और students, ये जो धातु होती हैं इनका उपयोग बर्तन बनाने के लिए किया जाता है, या machines जो हम बनाते हैं उसके अंदर भी इन धातुओं का उपयोग होता है, furnitures, wires, etc। तो ये सब क्या हैं? These are the different applications of metals that we used in our daily life. Precious metals like gold, silver and platinum are used for making jewelry. और काफ़ी कीमती धातु होती हैं जैसे गोल्ड यानी कि सोना, सिल्वर यानी कि चांदी एंड प्लेटिनम, इनका उपयोग हम ज्वेलरी बनाने में करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। सेकंड पॉइंट है, वी गेट फ्यूल्स फ्रॉम रॉक्स एंड मिनरल्स। हमें फ्यूल्स मतलब ईंधन, ईंधन हमें किन से मिलता है? रॉक्स एंड मिनरल्स यानी कि चट्टान और खनिज पदार्थों से हमें ईंधन मिलता है। कोल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, सीएनजी एक्सेट्रा आर फ्यूल्स दैट वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ। जो कोयला होता है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, मिट्टी का तेल होता है, एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये सभी क्या हैं? फ्यूल्स के नेम हैं। इनको हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उपयोग करते हैं। तो सबसे पहला जो फ्यूल है उसका नाम है कोल यानी कि कोयला। इट इज़ वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, ये काफ़ी मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन है। इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम रिमेन्स ऑफ प्लांट्स बरीड इनसाइड द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स है वो। ये कैसे बनता है स्टूडेंट्स? ये तब बनता है जब जो पौधे होते हैं और जब वो पौधे सड़ जाते हैं पृथ्वी के अंदर, और उनको अरबों साल हो जाते हैं, तो तब ये बनता है। तो इस फिगर के अंदर समझेंगे स्टूडेंट्स कि जो कोल का फॉर्मेशन है वो कैसे होता है। यहाँ पर ये क्या है? ट्रीज़ हैं स्टूडेंट्स, ओके। तो यहाँ पर कुछ बरीड ट्रीज़ हैं, ओके। तो जब ये जो ट्रीज़ हैं, जब ये पृथ्वी के अंदर दबे हुए होते हैं, तो कुछ समय के बाद, या फिर आप ये कहिए कि मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो होने के बाद, अरबों साल होने के बाद, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? कोल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, आपका जो कोल है वो बनता है। ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इनसाइड द अर्थ दीज रिमेन्स ऑफ प्लांट्स टर्न इनटू कोल। ज़्यादा तापमान और दबाव होने की वजह से पृथ्वी के अंदर ये जो पौधे हैं जो मर जाते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर कुकिंग, प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, मेकिंग प्लास्टिक, नायलॉन, फर्टिलाइजर्स एंड इन वेरियस इंडस्ट्रीज एज फ्यूल। तो ये क्या हैं स्टूडेंट्स? दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ कोल। तो फर्स्ट एप्लीकेशन इज़ इट इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग, सेकंड प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड मेकिंग प्लास्टिक,
नायलॉन, फर्टिलाइज़र्स यानी कि खाद एंड इन वेरियस इंडस्ट्रीज़ एज फ्यूल, और बहुत सारे उद्योगों में इसको ईंधन की तरह उपयोग किया जाता है। जो दूसरे नंबर पर आपका फ्यूल आता है वो है पेट्रोलियम यानी कि मिट्टी का तेल। इट इज़ अ डार्क कलर्ड थिक क्रूड ऑयल। ये काफ़ी ज़्यादा इसका जो रंग होता है वो काफ़ी गहरा होता है और ये मोटा होता है। इसको कच्चा मोटा तेल बोला जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। इसको काला सोना भी बोला जाता है। स्टूडेंट्स, पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स गॉट बरीड अंडर द सी मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। जो ये स्टूडेंट्स मिट्टी का तेल होता है ये कब बनता है? जब पौधे और जो जानवर होते हैं उनकी जो डेड बॉडीज़ होती हैं, जब वो कहाँ पर होती हैं, समुद्र के अंदर दफन हो गई होती हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा अरबों खरबों साल हो जाते हैं, तब पेट्रोलियम बनता है। ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर देयर डेड बॉडीज़ गॉट कन्वर्टेड स्लोली इनटू पेट्रोलियम। और ज़्यादा दबाव और तापमान होने की वजह से ये जो डेड बॉडीज़ हैं ये किस में बदल जाती हैं? धीरे धीरे पेट्रोलियम में बदल जाती हैं। वी गेट LPG, CNG, पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन फ्रॉम पेट्रोलियम। हमें क्या क्या मिलता है स्टूडेंट्स? हमें LPG यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन। केरोसिन को बोला जाता है मिट्टी का तेल। तो इन सभी से तो ये सभी चीज़ें हमें पेट्रोलियम से मिलती हैं। इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स एंड इन मेकिंग केमिकल्स, प्लांट्स, प्लास्टिक्स, फर्टिलाइजर्स, मेडिसन्स, कॉस्मेटिक्स। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और स्टूडेंट्स, इसका उपयोग, इस ईंधन का उपयोग ऑटोमोबाइल्स में किया जाता है। ऑटोमोबाइल्स को, ऑटोमोबाइल क्या होता है स्टूडेंट्स? अ मोटर व्हीकल विद फोर व्हील्स। तो उसके अंदर हम इस ईंधन का इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। एंड इन मेकिंग केमिकल्स, बहुत सारे रसायन पेट्रोलियम से ही बनाए जाते हैं। पेंट्स, प्लास्टिक्स, फर्टिलाइजर्स, मेडिसन्स एंड कॉस्मेटिक्स, ये सभी क्या हैं? एप्लीकेशंस ऑफ एप्लीकेशंस हैं पेट्रोलियम के। तो इन सभी के अंदर पेट्रोलियम का उपयोग होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और बिजली बनाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये क्या है? एटॉमिक पावर प्लांट। ओके, इस फिगर में इसको दिखाया गया है। तो एटॉमिक पावर प्लांट्स में हम किसका उपयोग करेंगे, कौन से फ्यूल का? यूरेनियम का। इट इज़ Not a mineral, ये खनिज नहीं है, but found with minerals, लेकिन खनिज पदार्थों के साथ पाया जाता है। It is used for producing tremendous amount of energy, जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर हम यूरेनियम का उपयोग करते हैं। Tremendous को बोला जाता है भयानक या फिर terrible। दिस एनर्जी इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। और जो एनर्जी यूरेनियम के थ्रू उत्पन्न होती है उसको बोला जाता है न्यूक्लियर एनर्जी। एटॉमिक पावर प्लांट्स यूज़ यूरेनियम टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर एनर्जी। जो
एटॉमिक पावर प्लांट्स हैं वो यूरेनियम का उपयोग करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए। ओके, तो इस तरीके से ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड पॉइंट, वी गेट जेम स्टोन्स फ्रॉम रॉक्स। जेम स्टोन्स को बोला जाता है रत्न, तो हमें बहुत सारे रत्न चट्टानों से मिलते हैं। मैनी मिनरल्स आर वेरी हार्ड एंड फाउंड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। बहुत सारे खनिज पदार्थ काफ़ी कठोर होते हैं और क्रिस्टल्स की अवस्था में पाए जाते हैं। दे आर कट एंड पॉलिश्ड इनटू ब्यूटीफुल स्टोन्स कॉल्ड जेम स्टोन्स, और इनको काटा जाता है, फिर इनकी पॉलिश की जाती है और इनको बहुत खूबसूरत पत्थरों में बना दिया जाता है और उनको बोला जाता है जेम स्टोन्स, यानी कि रत्न। अब जेम स्टोन्स के क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं, व्हाट आर द वेरियस एग्जांपल्स ऑफ जेम स्टोन्स वी विल डिस्कस नाउ। डायमंड, रूबी, एमराल्ड एंड सेफायर आर सम जेम स्टोन्स यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी। जो ज्वेलरी बनाई जाती है स्टूडेंट्स, उसमें इन रत्नों का उपयोग किया जाता है। तो हमारे कौन कौन से रत्न हैं जो जिनका हम उपयोग ज्वेलरी बनाने में करते हैं, डायमंड, रूबी, एमराल्ड एंड सेफायर, ये कुछ रत्न हैं जिनको हम ज्वेलरी बनाने में उपयोग करते हैं। डायमंड को हम हीरा बोलते हैं, एमराल्ड को पन्ना बोलते हैं, रूबी को माणिक बोला जाता है और सेफायर को नीलम बोला जाता है। तो ये सभी कुछ इम्पॉर्टेंट हिंदी मीनिंग्स हैं, आप इनको एक जगह नोट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है, वी गेट फर्टिलाइजर्स फ्रॉम मिनरल्स। हमें खाद भी मिलता है खनिज पदार्थों से। सम ऑफ द मिनरल्स लाइक सल्फेट्स एंड नाइट्रेट्स आर एडेड एज फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल कुछ खनिज पदार्थ होते हैं जिनसे हमें सल्फेट्स एंड नाइट्रेट्स मिलते हैं और इनको एज अ फर्टिलाइजर्स, मतलब खाद के तरीके से इनको मिट्टी के अंदर जोड़ा जाता है। फर्टिलाइजर्स हेल्प टू मेंटेन द सॉइल फर्टिलिटी एंड इम्प्रूव प्लांट ग्रोथ। और जो खाद होता है स्टूडेंट्स, खाद किस चीज़ में मदद करता है, जो मिट्टी की उर्वरकता है उसको मेंटेन करने में, उसको बनाने में, और जो पौधे की जो ग्रोथ है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट यानी कि सुधार लेकर के आते हैं। तो यहाँ पे बात चल रही है स्टूडेंट्स फर्टिलाइजर्स की। फिफ्थ पॉइंट है स्टूडेंट्स, मिनरल्स आर इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। जो खनिज पदार्थ होते हैं वो बहुत ज़रूरी पोषक तत्व कहलाए जाते हैं। अवर बॉडी नीड्स मिनरल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक एंड आयरन इन स्मॉल क्वांटिटीज़। जो हमारा शरीर है स्टूडेंट्स, उसको खनिज पदार्थों की ज़रूरत पड़ती है, और वो खनिज पदार्थ क्या क्या होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक एंड आयरन, ये सभी क्या हैं, मिनरल्स हैं, खनिज हैं, और इनकी ज़रूरत हमारे शरीर को पड़ती है बहुत छोटी छोटी मात्रा में फॉर अ हेल्दी ग्रोथ, जिससे
जो ग्रोथ है हमारी वो उसमें सुधार आता है। अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे नीड टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेस कि हमें इन प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। कोल एंड पेट्रोलियम आर वेरी यूज़फुल नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, जो कोयला है और मिट्टी का तेल है, दे आर वेरी यूज़फुल, ये काफ़ी मददगार प्राकृतिक संसाधन होते हैं ऊर्जा पाने के लिए। द कंजप्शन ऑफ दीज फ्यूल्स इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज़। और स्टूडेंट्स कंजप्शन को बोला जाता है सेवन या फिर उपयोग, और इन ईंधनों का सेवन या फिर इनका उपयोग बढ़ता चला जा रहा है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, क्योंकि जो व्हीकल्स हैं, जो वाहन हैं, वो बढ़ते चले जा रहे हैं और जो उद्योग हैं वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जो फ्यूल्स हैं उनका सेवन अब बढ़ता चला जा रहा है, तो इसलिए भी हमें जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हमें कंजर्व करना चाहिए या फिर उन्हें संरक्षित करना चाहिए। हाउएवर देयर इज़ अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज ऑन द अर्थ, हालांकि जो ये संसाधन हैं जो हमारी पृथ्वी पर पाए जाते हैं ये लिमिटेड हैं। वंस दीज रिसोर्सेज आर यूज्ड अप, अगर ये जो संसाधन हैं ये हमने उपयोग कर लिए, दे विल नॉट बी अवेलेबल अगेन, तो ये हमें दोबारा से नहीं मिल पाएंगे। ऑल्सो बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स रिलीजेज हार्मफुल गैसेस इन द एटमोसफेयर, और स्टूडेंट्स जो जब हम ईंधन को जलाते हैं तो उससे बहुत नुकसानदायक गैसेस हमारे वातावरण के अंदर निकलती हैं जो कि वायु प्रदूषण करती हैं, विच इज़ द बिगेस्ट हेल्थ हैजार्ड, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है हमारी हेल्थ के लिए। ओके, जुडिशियस एंड इकोनॉमिकल यूज़ ऑफ दीज रिसोर्सेज कैन हेल्प अस टू कंजर्व देम। जुडिशियस का मतलब है उचित, इकोनॉमिकल का मतलब है किफ़ायती, उचित और किफ़ायती उपयोग इन सभी संसाधनों का मदद करता है हमें इनको बचाने में, एंड प्रिवेंट पॉल्यूशन, और इससे ही हम जो प्रदूषण है उसको भी दूर कर सकते हैं। वी शुड कंजर्व दीज फ्यूल्स बाय यूजिंग अल्टरनेट रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, हमारे कुछ स्टूडेंट्स अल्टरनेट रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी होती हैं, हमें इन फ्यूल्स को बचाना चाहिए और इनकी जगह पे हमें अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी। तो जो ऊर्जा हमें सूर्य से मिले उसे बोलते हैं सोलर एनर्जी, जो ऊर्जा हमें वायु से मिले उसे हम बोलते हैं विंड एनर्जी, और जो ऊर्जा हमें पानी से मिले वो उसे बोलते हैं वाटर एनर्जी। तो ये सभी क्या हैं, अल्टरनेट रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो हमें इन फ्यूल्स को बचाना चाहिए और हमें इनका उपयोग करना चाहिए। दीज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटीज एंड डू नॉट कॉज पॉल्यूशन, और ये स्टूडेंट्स अनलिमिटेड क्वांटिटीज़ में, यानी कि जिसकी कोई लिमिट ना हो उस मात्रा में ये उपस्थित होती हैं, एंड डू नॉट कॉज पॉल्यूशन, और ये प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं करती। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको ये जो चैप्टर है ये अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।